मैम आप क्या पूरे सारे चैप्टर रिवाइज कराओगे? यस, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर चैप्टर 3 ऑफ सिविक्स, द गवर्नमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट जो हमारे पे सरकार. यस, नीड एंड इम्पोर्टेंस. यस, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस चैप्टर? द गवर्नमेंट, इट्स मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस. गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसकी नीड क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, इसकी हम मेकिंग भी देखेंगे और पार्टिसिपेशन भी. एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फीचर, वी विल रीड इन दिस चैप्टर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फीचर्स. ओके ओके मैम. Since the time when the human began to lead a settled life, a need was felt to regulate the life of the people. जब से human ने एक settled life जीनी शुरू की है ना, एक ऐसी जरूरत महसूस हुई है कि लोगों की life को regulate करने की, कि उनकी life regulate होनी चाहिए. It was helpful in maintaining order among the people in the society. अब ये किसमें help करती है? Maintaining. It was helpful in maintaining order among the people in the society. ये किस में help करती है? Maintaining order. Society के अंदर maintaining order में helpful है. Gradually with the passage of time, some more regulations were made as the civilization progressed a lot. धीरे धीरे जैसे जैसे time pass होता गया और civilization progressed हुई. ठीक है, टुडे वी हैव अ ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ वैरायटी ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट माइंडसेट. आज हमारे पास एक ह्यूज क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है जिसमें वैरायटी ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट माइंडसेट, जिसमें लोगों के अलग अलग माइंडसेट है. यस मैम, रेगुलेट का मीनिंग क्या होता है? रेगुलेट होता है किसी भी चीज को लगातार करना. To maintain order, provide security and maintain peace in the human society, we have an elected body of representative called government. अब यहाँ पे देखिए ये main line है. To maintain order, order को maintain करने के लिए, provide security, security provide करने के लिए and maintain peace और शांति maintain करने के लिए. In the human society, ह्यूमन सोसाइटी में वी हैव एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना होता है. ठीक है, जिसको कि हम गवर्नमेंट बोलते हैं. गवर्नमेंट में क्या है कि हम सब लोग तो एकदम से सारे रूल कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. और जो वो जैसे कि बहुत सारी पार्टीज होती जो हमको ज्यादा अच्छी लगती है, हम उनको वोट कर देते हैं. हम उनको वोट कर देते हैं, जैसे बीजेपी, वोट जीत जाती है और फिर वो ही रूल करती है. हाँ, उनका जो हेड होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो ही रूलिंग पावर होता है, रूल करता है. तो इस तरह से गवर्नमेंट बनती है. द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल इन वेरियस वेज एंड मीन्स. लेट स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर. अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है लोगों की नीड्स को मेंटेन करना या उनकी जरूरतों को पूरा करना अलग अलग तरीकों से. अब इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, किस तरह से काम करती है और इसके डिफरेंट पार्ट्स. वॉट इज अ गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब कंबाइन एफर्ट है किसकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये है गवर्नमेंट के पार्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यस, द सुप्रीम लॉ ऑफ अ स्टेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. अब सुप्रीम लॉ है स्टेट का, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स रूल. अब लेजिस्लेचर यहां पे ये जो थ्री पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब इनके काम देखो क्या क्या है. लेजिस्लेचर फ्रेम्स रूल, रूल्स को फ्रेम करती है. रेगुलेशंस, लेजिस्लेचर फ्रेम रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज. द एग्जीक्यूटिव, अब जो एग्जीक्यूटिव है क्या करती है, जो फ्रेम्ड रूल है उनको इम्प्लीमेंट करती है.
all these rules and regulation while the judiciary administers justice according to rules enacted by the legislature. यानी यहाँ पे देखिए जो लेजिस्लेचर है रूल्स को फ्रेम कर रही है रूल्स और रेगुलेशंस को, और जो एग्जीक्यूटिव है उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, उन पे उनका मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं ये ध्यान रखती है. और जुडिशरी क्या करती है, जस्टिस करती है अकॉर्डिंग टू रूल्स. अकॉर्डिंग टू रूल्स वो जस्टिस करती है, न्याय करती है. According to rules enacted by the legislature and sometimes declares a certain rule as unconstitutional or holds the authority to condemn the acts of the executive. Good afternoon. अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रूल को वो डिक्लेयर करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान के विरुद्ध है, और होल्ड द अथॉरिटी टू कंडेम द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. और उनके पास ये अथॉरिटी भी होती है, कंडेम मतलब डिसअप्रूव द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव के जो एक्ट हैं उनको डिसअप्रूव करने की अथॉरिटी भी वो होल्ड करती है. मैं मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव किसी चीज को हां कर देती है तो जो जुडिशरी है अगर जुडिशरी वो मना कर सकती है अगर वो गलत हुई फिर वो अब यहाँ पे आपको पता लग गया ना लेजिस्लेचर क्या करती है, फ्रेम करती है रूल्स को, रूल्स और रेगुलेशंस को, और एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है उनके, उन पर पालन करती है, और जुडिशरी अकॉर्डिंग टू रूल्स जस्टिस करती है. थ्री कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या आता है, वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा अपने जो उसको सही लगा वो ही करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है. यस. अब व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, अब हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, क्या हम बिना गवर्नमेंट के रह सकते हैं, बताइए. नहीं no, ma'am. एक इंसान no, ma'am. हम सब मिलके पूरे no, ma'am. पूरी सोसाइटी पे तो रूल कर नहीं सकते, no, हमें ma'am. अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो रूल करे, उसके लिए हमें क्या है, हमें क्या जरूरत है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. तो हमें गवर्नमेंट की क्यों जरूरत है. एवरी नेशन नीड सम गवर्निंग बॉडीज, हर देश को कुछ गवर्निंग बॉडीज की जरूरत पड़ती है विच कुड टेक डिसीजन एंड कीप द एडमिनिस्ट्रेशन मूविंग. किस लिए पड़ती है जरूरत, ताकि वो डिसीजन ले सकें और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को मूव कर सके, रन कर सके. इन मॉडर्न टाइम्स द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हैव अज्यूम्ड अ मच वाइडर स्कोप. आज के टाइम पे तो जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है ना बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा हो गए, बढ़ गए हैं. द ब्रॉड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर, अब गवर्नमेंट को जितना बड़ा नेशन होगा उसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के फंक्शंस भी बड़े हैं. अब गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे. टू एनैक्ट एंड एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस को एनैक्ट करना, उनको लागू करना. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाके काम नहीं करे. टू मतलब कि वो वही काम करे जो लॉ ने बनाया, वो yes. उसके अगेंस्ट ना जाए, अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो उसको पनिशमेंट. टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, अब लोगों की लाइफ प्रॉपर्टी की सेफ्टी, ऐसे तो नहीं ना हर कोई जाके किसी को मार दे, कोई किसी को झगड़े कर ले, उनकी प्रॉपर्टी को छीन ले. कोई गवर्नमेंट होगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तभी तो लोग सेफली रह पाएंगे ना, वरना तो कोई किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकता है. तो इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है. अब सपोज करो आपके आपके साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप क्या करते हो, किसी से के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, आप कोई आपकी प्रॉपर्टी छीन लेता है तो आप क्या करते हो, आप पुलिस के पास जाते हो ना कंप्लेन करने के लिए, तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट की फॉर्म है. हम जाते हैं ना पुलिस के पास. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू द पीपल. अब हम सब लोगों को पानी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो हमको एडिक्वेट अमाउंट में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है. टू रन पोस्टल रोडवेज एयरवेज एंड रेलवेज सर्विस,
पोस्टल सर्विस को रन करती है, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। रोड भी चाहिए हमें, रेल भी चाहिए हमें, पोस्टल सर्विस भी चाहिए और एयरवेज भी चाहिए। मतलब कि वो उनको ऐसा कुछ टूट जाता है रोडवेज में, एयरवेज में, तो उसको सही करवा के उनको जारी रखती है, सब कुछ मेंटेन रखना है उनको, गवर्नमेंट का काम है। इनके पास सेक्टर अलग अलग बने होते हैं टू कंट्रोल मार्केट प्राइजेस, मार्केट में प्राइजेस को भी कंट्रोल करना है कि ताकि जो भी जितने भी गुड्स हैं सब ह्यूमन बींग्स के लिए इजीली अवेलेबल हो सके। प्राइस अगर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएंगे या तो जो लोअर जो गरीब लोग हैं फिर वो खरीद ही नहीं पाएंगे, फिर तो पॉवर्टी डिफिकल्ट हो जाएगा। टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर सोसाइटी में गवर्नमेंट का काम है कि पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करे, अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों के पास काम नहीं है तो उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी जीडीपी, यस, उनको इक्वली ट्रीट, लोग इक्वली ट्रीट हों, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म हो, ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट का काम है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्क्रीन इज क्लियर बेटा? यस मैम इट्स क्लियर मैम, थोड़ी थोड़ी बबलिंग बबलिंग हो रही है। टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी को रिमूव करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इन सबको भी रिमूव करना है, ये भी गवर्नमेंट के काम है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें नेसेसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमें रोड चाहिए ट्रेड के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए, हमें रोड चाहिए, हमें स्कूल चाहिए एजुकेशन के लिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें डैम चाहिए अपने वाटर को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ये जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड करती है। टू मेंटेन गुड फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। अब गवर्नमेंट का काम ये भी है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर हम उनके साथ लड़ झगड़ के रहेंगे तो हम पीसफुली रह पाएंगे? नो मैम, फिर तो वो जैसे कि चाइना कभी हमसे लड़ती रहती है, इस तरह से तो वो मतलब हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ वॉर चलते रहेंगे, इसलिए वो लड़ती रहेगी, तो उसे हमारी कंट्री को भी नुकसान होगा, हमको भी हो सकता है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे से रिलेशन बना के रहते हैं ना, जब हम घरों में भी रहते हैं, तो इसी तरह से हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने हैं, विद इन द कंट्री और नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी हमें अपने रिलेशन अच्छे बनाने हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड टू द पीपल इन केस ऑफ फैमिन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन और अदर नेचुरल कैलमिटीज। अगर कोई नेचुरल कैलमिटीज आ गई हैं तो हम किसको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल करते हैं? गवर्नमेंट को ही ना, कि गवर्नमेंट ने, अभी कोरोना में देख लीजिए सबको जो वैक्सीन लगनी है ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, सबको, जैसे कुछ लोगों के पूरे बिजनेस चले गए या जो डेली वेजेस वाले थे उनके पास खाने को नहीं था तो उनको फूड कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो इसी तरह से रिलीफ प्रोवाइड करना, हेल्थ एड या किसी भी तरह की उनको हेल्प प्रोवाइड करना, किस टाइम पे, इन केस ऑफ फैमिन, अगर अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए या कोई साइक्लोन आ जाए या फिर कोई भी और नेचुरल, जैसे अभी कोरोना है, अगर जैसे कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, लोग तो चोट लग गए, तो उधर गवर्नमेंट को मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पहुंचाना पड़ेगा। द बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर कॉल्ड, जो बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना लोगों को, उनको क्या बोलते हैं हम? सिविक अमेनिटीज, ठीक है। दे इंक्लूड वाटर सप्लाई, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, रोडवेज एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी वाटर सप्लाई आती है, रोड्स आती हैं, आपके ब्रिजेस आते हैं, आपकी रेलवेज आती हैं, आपकी रोडवेज आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो सिविक अम्यूनिटीज़ हैं, जो हर स्टेट में नीड। डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। फ्रेमिंग लॉ इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ा डाउन पैराग्राफ,
यस इट इज हेयर बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर. डिसीजन मेकिंग. फ्रेमिंग लॉ इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है? लॉ को फ्रेम करना. पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, बड़ी कंट्री, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? इन मेकिंग लॉज थ्रू देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव. लॉ बनाने में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं. हम लोग खुद अपने आप से तो हर चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना. हर एक लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो हमने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है तो वो हमारे थ्रू हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाता है. पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. यानी इसमें यहाँ पे क्या बात बता रखी है? पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिटीजन का पार्टिसिपेट करना क्या है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की फाउंडेशन है, यानी नींव है कि सिटीजन उसके अंदर पार्टिसिपेट करें. उनको भी पता लगना चाहिए ना कि क्या हो रहा है देश में. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, रोड बिल्ड करती हैं, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, आपके जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आपकी रेल है, एयरवेज है, ये सारे गवर्नमेंट के अंदर ही तो आते हैं ना. जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए स्ट्राइव कर रही हैं, अगर आपके कोई डिजास्टर आ गया है वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करती हैं. प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, आपकी जो दूसरी कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे देखिए आपके ये जो आपकी फोर्सेस हैं वहाँ पे लगी हुई हैं आपकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. और अंडरटेक्स वेलफेयर मेजर्स, लोगों की भलाई के काम भी करे जा रहे हैं. जब उनको कभी भी किसी तरह का कोई मुश्किल का सामना पड़ता है तो उनकी हेल्प की जाती है. यस, बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस डिबेट इन द लेजिस्लेचर. कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है? लेजिस्लेचर में डिबेट करती है. द व्यूज ऑफ मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव बिकम द कलेक्टिव डिसीजन एंड इज एक्सेप्टेड बाय ऑल. अब जिसके मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव, जिसके सबसे ज्यादा व्यूज होंगे तो उसका डिसीजन है ना सबको मानना होगा. वही बात है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा. तो जिसके व्यूज ज्यादा होंगे, मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव बिकम द कलेक्टिव डिसीजन एंड इज एक्सेप्टेड बाय ऑल. वो कलेक्टिव डिसीजन बनेगा मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव के व्यूज, और सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब किसी भी गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. और पार्टिसिपेशन कैसे होगी? हम अपना जब वोट देंगे, हम मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे कि हम क्या चाहते हैं, तब होगा, तभी हमारी जो गवर्नमेंट है स्मूथली रन कर पाएगी. अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर द थ्री डिफरेंट लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. अब थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, कौन कौन से हैं? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दीज आर थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंसर्निंग द होल कंट्री आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है पूरी कंट्री से जो कंसर्न हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जो कि पूरी कंट्री से कंसर्न होते हैं. मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग ए पर्टिकुलर स्टेट लाइक आसाम, महाराष्ट्र एक्सेट्रा आर टेकन बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. बहुत सारे डिसीजन हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से कंसर्न होते हैं, जैसे कि आसाम, महाराष्ट्र और भी किसी स्टेट से, वो कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट. किसी पर्टिकुलर स्टेट से कंसर्न है तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है स्टेट लेवल पे, और अगर पूरी कंट्री से कंसर्न है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है नेशनल लेवल पे.
सिमिलरली मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग ए सिटी और टाउन और विलेज आर टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट. अगर कोई भी डिसीजन किससे कंसर्न है, किसी सिटी या टाउन या विलेज से कंसर्न है, तो उनको कौन लेता है? लोकल गवर्नमेंट. अब थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल. अब नेशनल लेवल फिर से अच्छे से समझिए. नेशनल लेवल के जो डिसीजन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जब कंसर्न किससे होते हैं? पूरी कंट्री से, होल कंट्री, कंसर्निंग द होल कंट्री. और जो स्टेट लेवल के हैं, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से कंसर्न होते हैं, किसी भी स्टेट से कंसर्न हो सकते हैं, तो उसके डिसीजन कौन लगा? स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल. और अगर किसी सिटी, टाउन और विलेज से कंसर्न होंगे तो कौन डिसीजन लेगा? लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. इन दिस वे द गवर्नमेंट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ. इस तरह से गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है. ऑल दीज गवर्नमेंट्स ड्रॉ देयर पावर एंड फंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. और गवर्नमेंट को ये अपनी पावर और फंक्शंस कहाँ से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से. दे वर्क इन देयर डेफिनेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टू अवॉइड एनी क्लैश और कन्फ्यूजन. अब वो काम कैसे करती हैं? कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती हैं, वो अपने डेफिनेट स्फीयर के अंदर काम करती हैं, अपने एरिया के अंदर काम करती हैं, जिससे कि कोई भी क्लैश, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल के काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल के काम करती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट वील्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर्स रिक्वायर्ड टू रन सच ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स हैं, कैसी पावर होल्ड करती हैं? ज़्यादा पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए होल्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर पावर को, टू रन सच ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री को रन करने के लिए. अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं. यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की पिक दे रखी है, जो यूके की क्वीन थी. ठीक है, यहाँ पे आप बताया गया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कि कितनी टाइप्स के गवर्नमेंट होती है. यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनार्की. इन द एंशियंट एंड मिडवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री मोनार्की और किंगशिप वॉज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय अ किंग और क्वीन फॉर्म्ड द गवर्नमेंट. यस, पुराने या मिडवल पीरियड के टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्म थी? मोनार्की या किंगशिप. सबसे ज्यादा कॉमन, आई विल टेल यू, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, किंग या क्वीन गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. वहां पे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है. जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी राजा होते थे, फिर उनके राजा के बाद में उन्हीं का बेटा किंग बनता था, फिर उसके बाद उसके बाद में उनका बेटा, इस तरह से ये हेरिडिटरी चलता रहता था. मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज स्ट्रेंथन बाय द डिवाइन राइट्स थ्योरी विच कंसिडर्ड किंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. इस मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था कि इसको डिवाइन राइट थे, डिवाइन राइट थ्योरी पे ये स्ट्रेंथन था, कि जिसमें कि किंग है, एक तरह से जो किंग है वो ही सबका रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से गॉड है, अर्थ पे गॉड है, उसी की बात सबको माननी है, कोई उसकी बात को डिनाय नहीं कर सकता. द मोनार्क हैड द एब्सोल्यूट राइट टू टेक डिसीजन. और जो भी मोनार्क होगा उसके पास पूरे राइट होंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए. हिज वर्ड वॉज कंसिडर्ड अ लॉ, उसके शब्द ही एक तरह से कानून होंगे. इट वॉज हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अभी मैंने आपको बताया ना, हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी राजा के बाद में उनका बेटा, उसके बाद में उनका बेटा, उसके बाद में उनका बेटा. तो ये ऐसा नहीं है कि कोई और इलेक्शन के थ्रू कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बने, जो उन्हीं की फैमिली का आगे से आगे बनता जाएगा. तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन विच द किंग और क्वीन इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम देयर फादर और मदर. इसमें क्या होता है, किंग और क्वीन को उनकी गद्दी मिलती है उनके फादर या मदर से.
अब यहाँ पे देखिए, हियर इज द पिक ऑफ एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर, ये हिटलर की पिक है, जर्मनी के डिक्टेटर थे ये, जर्मनी में एक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ी मोनार्की, और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द अथॉरिटी एंड पावर इज एंजॉयड बाय वन पर्सन, जिसमें सारी अथॉरिटी और पावर किसी एक आदमी के हाथ में होती है। ये नहीं है कि कोई किंग या क्वीन या उनके बच्चे बने हैं, लेकिन एक ही इंसान के पास सारी अथॉरिटी और पावर है, हु डजंट ओ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल, और उसकी लोगों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब जो उसको अच्छा लगेगा वो लोगों को मानना पड़ेगा, डिक्टेटर, तानाशाह जिसको बोलते हैं, यानी जो अपनी मर्जी करता है, किसी की वो सही है या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जो पसंद है वो ही होगा, दैट इज कॉल्ड अ डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पीपल डोंट हैव मच राइट्स, इंस्टेड दे सिंपली फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द डिक्टेटर, लोगों के पास कोई भी राइट नहीं होते हैं कि अपनी बात को वो पहुंचा सकें गवर्नमेंट के पास, उनको क्या मानना पड़ता है, इंस्टेड दे सिंपली फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द डिक्टेटर, यानी उनको फॉलो करने पड़ते हैं डिक्टेटर के डिक्टेट्स को, जो भी वो बात कहता है उनको वो, मतलब कि जो डिक्टेटर बोलता है वही उनको करना पड़ता है। यस, तो ये एक एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर जर्मनी का, जो एक डिक्टेटर था, यानी इसने जो कह दिया वही होगा, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो कि हमारे इंडिया में है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टुडे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है, किससे लोगों को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का मौका मिलता है, और एक तरह से वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। In a democratic setup, the representatives are elected by the people on the basis of universal adult franchise. अब democratic form of government में क्या होता है कि जो representative हैं उनको कैसे elect करते हैं? Universal adult franchise, यानी वयस्क मताधिकार। जब 18 years के आप हो जाते हैं तो आपको vote का right मिल जाता है, तो आप vote करके अपने representative को vote कर देते हैं और elect कर सकते हैं। द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है वही गवर्नमेंट बनाता है। इन दिस वे पीपल चूज द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इस तरह से लोग इलेक्शन के टाइम पे अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। दस दे आर गिवन द राइट टू वोट, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि राइट टू वोट, आपको वोट करने का राइट मिल गया। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट। इलेक्शंस कंट्री में एक रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं, एवरी 5 years के बाद में नॉर्मली होते ही हैं। दे एनेबल द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु एक्ट ऑन देयर बिहाफ, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि, और वो ही रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे काम करता है। This elective government is responsible for its acts toward people in the democracy system. और जो उन्होंने, जो उनकी जो elected government है ना, वो ही responsible है उनके act के लिए लोगों के towards इस democratic system में। यानी democratic system में जो उनका elective representative है वो ही काम करता है, वो ही responsible है। The word democracy has been derived from a Greek word, demokratia. डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रैटिया मीन्स रूल, यानी डेमोक्रेटिया से ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है पीपल रूल, लोग रूल करते हैं। सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया में। इट्स ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटेन विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इंडिया की डेमोक्रेसी को? ब्रिटेन से,
जिसको कि सारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज की मदर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, यस मैम, यस मैम, वी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम।